मेरा नाम बिलाल कतरी। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इस घटना के बारे में ये है कि रात करीब 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया चांदनी चौक कोतवाल का कि भाई फारी उवेश को जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ, दोस्त है मेरे। इस तरह का मामला हुआ तो मैं घर आया, घर से तुरंत चल दिया। मैंने फ़ोन कर दिया, वहाँ पर हमारे दूसरे आदमी चले गए, मीटा वाले भी, हमारे दोस्त भाई भी है। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि इसकी जो है मार पिटाई कर गए गैर मुस्लिम लोगों ने, इसकी हत्या कर दी। जी। तो वहाँ पर मीडिया के जरिए हमें ये भी पता चला कि दो आदमी अरेस्ट किए गए। जी। लेकिन पुलिस से मालूमात की तो उन्होंने बताया हमें कोई नहीं मिला, और बल्कि उल्टा मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे पुलिस वाले के, 3-4 टोपी वाले उसके साथ देखे। हालांकि मौके पर लोग वहाँ बहुत सारे मौजूद थे, उन्होंने कहा भाई दुकानदारों ने मारा है, और दुकान भी वे ऐसी है वहाँ के, सरकार ने उन पर रोक लगाया हुआ है लेकिन पुलिस वाले पैसे लेकर दुकानें चला रहे हैं, अनलीगल चल रही है जी। तो इस तरह से जो है इस मामले को दबाने की कोशिश थी, तो उसके बाद पुलिस वालों ने जो है रास्ता नहीं दिया। मृतक क्या आप क्या लगते हो? मैं दोस्त हूँ उसका, बहुत करीबी पड़े भी एक जगह, और पढ़ाया भी है, रहते थे। अच्छा जी, ये वहाँ की पुलिस ने क्या कहा? पुलिस जो है ना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो मैं खुद जो है मीडिया का आदमी हूँ, मैं जैसे वीडियो बनानी शुरू की तो मैं अंदर बिठा लिया उन्होंने। अच्छा, उसके 5-7-10 मिनट बाद टाप पड़ने पर मुझे बाहर निकाला। आपके पास 2-4 मिनट की कोई वीडियो है उस वक्त की? उस वक्त की वीडियो किसी के पास नहीं है, उसके बाद की वीडियो है। कोई वायरल वीडियो, कोई उनकी मारपिटाई की वीडियो? मारपिटाई की कोई वीडियो वायरल नहीं है अभी तक। किस वक्त का हादसा है? 9-10 बजे के बीच। और एक बात इसमें ये है यहाँ पर कि वहाँ जो फुटपाथ पर इसकी जो है शव मिला है, तो वहाँ पर कोई पागल भी अगर बैठ जाए उसको पुलिस ढकेल देते हैं, वहाँ बैठने नहीं देती। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि 4 बजे से 9 बजे तक वो वहाँ सो रहा है, और पुलिस वालों ने बताने वालों ने बताया कि उसके सर के नीचे कुछ नहीं था, उसकी मार पिटाई की और इस कदर उसको मारा कि वो खुद ही गिर गया। लेकिन पुलिस वालों ने उसके सर के नीचे उसी का बैग रख कर और उसके हाथ ऐसे रख के ऐसे लेटा दे जैसे कि सोया हुआ है। हालांकि फुटपाथ पर कौन सो सकता है, और वैसे भी दिल्ली में पुलिस सोने देगी? तो इस मामले के पीछे पुलिस जो है ना राज को छुपाना चाहती है, और अपने आप को जैसे कि पुलिस पर ऊपर का जो बड़े सरकारी अधिकारी है उनकी जांच जो आ रही है, तो उसके डर की वजह से जो है मामले को हल्के में लेना चाह रही है। ये हल्के मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है, वहाँ पर बहुत सारे लोग गवाह भी है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। पीएम रिपोर्ट में क्या अभी मिला है? पीएम रिपोर्ट में उसकी मारपीट का सारा मामला जब गवाह भी है, लेकिन पुलिस वाले ये कह रही हैं कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन उसने थोड़ा जो हमसे कहा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई इसमें पेट में कीड़े बनने की वजह से इसकी मौत हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है, और मैं मीडिया के जरिए जो भी देख रहे हैं हमारे नेता भी, खाम मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, धर्म और जात से हटकर इस मामले को इंसानियत परस्ती पर ले जाइए और इंसाफ दिलाइए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, तो जैसा कि पुलिस वालों ने ये बताया कि इसमें जो है कीड़े की वजह से इसकी मौत हुई, नहीं, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, अगर वो पन्ना साफ भी आ गया, मेरे पास सबूत है, पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे हम, अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसमें FIR दर्ज करी आपने या नहीं? FIR दर्ज कराई नहीं हमारी, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही FIR दर्ज होगी।